sung, unsung, all women, उन सबके जो contribution है society में, हर एक महिला का कितना योगदान है उसको हम recognize करते हैं. मैं समझती हूँ ईश्वर ने केवल दो ही जो रूप रचे हैं, एक पुरुष और एक महिला. बाकी जो differences हैं, चाहे वो religion के हों, चाहे वो language के हों, चाहे वो caste के हों, वो कितने hollow और छोटे हैं. और महिला और पुरुष ही इस धरती को कंप्लीट कर पाते हैं. और महिला अपने केयर, अपने सैक्रिफाइस और अपने तरीके से इस दुनिया को कितना आगे बढ़ाती है. कई बार आगे बढ़ाते बढ़ाते वो इतना खुद पिछाड़ दी जाती है कि वही चीज़ ये सोचा जाता है कि वो वीकर है, जबकि वो वीक नहीं है. वो कहते हैं ना कि मैं कई बार हार जाता हूँ, ये मेरा अंदाज है जीत जाने का. और मुझे लगता है कि हर एक महिला की जर्नी बहुत खूबसूरत है. आज बहुत सुंदर महिलाओं के डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, कुछ हम सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे. बट इट इज़ हमारे हर घर में, हमारी माँ हमारी आइडियल है हर बच्चे की. और हर घर में ऐसे ही जो लोग भी कहीं ना कहीं हैं, उनके पीछे एक महिला ज़रूर कहीं ना कहीं उनके साथ में है. मैं खुद एक मैं लखनऊ से हूँ, बट मेरे रूट्स कश्मीर की साइड में, अब वो पाकिस्तान में है, उस तरफ के थे. और मेरी दादी जी बताती हैं कि वो कुल 14-15 साल की थी जब उनकी शादी हुई और वो पार्टीशन के बाद यहाँ आए, और किस तरह से हम लोग सेटल हुए और पढ़े और आगे एग्जाम्स किए. और एज अ वुमन ऑफिस जाती हैं, बहुत महिलाएं जाती हैं, कितने चैलेंजेस देखते हैं. पर मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो महिला को गुण दिया है लोगों की समस्या समझने का, उसको फील करने का, वो पुरुष से बहुत ज़्यादा जल्दी, चूँकि जज्बाती होती है, महसूस कर सकती हैं. मैं विश्वविख्यात कुंभ भी करवाई थी, तब मैं नगर निगम में थी प्रयागराज में. और मैं देखती थी कि किस तरह से महिलाएँ भी साथ में पुरुषों के सब वो ले करके आती हैं, स्नान करवाती हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु. और मैं थी, मेरे साथ में मेरा छोटा बेटा उस वक्त कुल 3 साल का था. और हम लोग इतनी बड़ी उम्र, मुझे लगता था कि जब 3 करोड़ आदमी आ जाएगा तो कैसे मैं कैसे काम कर पाऊँगी. बट मुझे लगता है कि सारी महिलाएँ में ये एक एनर्जी और मल्टीटास्किंग की एक गजब की क्वालिटी होती है. और इसी के कारण आप देखते होंगे कि आज भी हर बच्चे की माँ रात में प्रोजेक्ट भी बना देंगे, उसका काम भी करा देगी और उसको स्कूल भी सुबह तैयार कर देगी और अपने ऑफिस की भी असाइनमेंट्स पूरी कर लेती है. और वो समझ लीजिए वही आपका जो शक्ति रूपा है, वो ही है मल्टीटास्किंग. एंड आई थिंक आज ये अवार्ड जो कुछ महिलाएं हैं डिजर्व्स के, ये सारी महिलाओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. सब बिकॉज़ इन सब महिलाओं ने उन पुरुषों की लाइफ को शेप किया है जो आज कहीं ना कहीं सफल है. उनके पीछे कोई ना कोई जरूर महिला है उनके साथ में है. और मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस रूप में जन्म दिया कि मैं जिस अवस्था में हूँ मैं किसी की मदद कर सकूँ, महसूस कर सकूँ और किसी के काम आ सकूँ और आगे आऊँ, ये मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी. और मैं देखती हूँ हर किस्म की लेडीज़, चाहे आपके पार्लर में जाइए, चाहे आपके छोटे से कोई मेकअप आर्टिस्ट जाइए. मैं बीच में शौक मुझे चढ़ा और साथ में मुझे लगा कि मुझे कुछ खादी के बारे में भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार देखा कि वो महिलाएं बेचारी हाथ से जो अपना वीव करती हैं, काटती हैं, और उसको खद्दर का जो समझ करके कैसे उसको लेस प्राइस में दिख रहा है, जबकि बाहर कितना अच्छा उसका एस्पेक्ट है. मैं महिला डिज़ाइनर से मिली, उनकी क्रिएटिविटी मुझे लगा कि कितनी इंटेलिजेंट है. और इनको के एक सपोर्ट एक सिस्टम चाहिए जहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनको रिकग्नाइज हो. तो मैंने उनके क्लोथ्स को लेकर के कुछ रैम बॉक्स भी किया और मुझे महसूस तब हुआ कि हम मतलब इस धरती में आप जिधर जाइए महिलाओं के टैलेंट की कमी नहीं, उनको एक बस एक प्लेटफॉर्म और रिकग्निशन चाहिए. जैसे आज आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन करके उस जो कह रहे हवा को और बढ़ाया है कि अच्छा करिए, आगे बढ़िए, ऐसे सपोर्ट की आवश्यकता है. और उसी से एक मुझे छोटा सा अभी मैं नेट पे ही देखा तो मुझे लगा मैं शेयर करूं कि 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजार फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजार दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजार बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, लेकिन एक स्त्री ही काफी है धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। एक स्त्री काफी है धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। से सभी महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, और हम सबको वी शुड सपोर्ट ईच अदर, महिला को दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज ये आयोजन किया और एक मैसेज दिया सोसाइटी में टू रिकग्नाइज द अनसंग वुमेन। थैंक यू सो मच।